विश्व में अलग अलग धर्मों और संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं। पूरा संसार भले ही एक है, लेकिन अलग अलग मान्यताएं होने की वजह से सभी का पूजा करने का तरीका और स्थान अलग अलग है। हमारी पृथ्वी विचित्र और रहस्यमय मंदिरों से भरी पड़ी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 मंदिरों के बारे में बताएंगे जिन्हें जिंदगी में एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5, टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री, जिसे पारो टेक्सटैंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भूटान के सबसे मान्यता प्राप्त स्थानों में से एक है, क्योंकि ये जगह असाधारण है। ये मंदिर जमीन से 3000 फीट और समुद्र तल से 10000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके शिखर तक जाने का रास्ता बहुत घुमावदार है। इसका निर्माण 1692 में हुआ था। इस गुफा के चारों ओर गुरु रिनपोचे ने अपनी पहली बार ध्यान लगाया था और इसी घटना से भूटान में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। मान्यता के अनुसार गुरु रिनपोचे एक बाघिन यानी एक टाइग्रेस की पीठ पर बैठकर इस जगह पर पहुंचे थे, इसलिए इसे टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री कहा जाता है। असल में इस मंदिर की मूल संरचना 1998 में जल गई थी, जिसके बाद 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के खर्च से इसे दोबारा बनाया गया था। 21वीं सदी में बना ये मंदिर 8वीं सदी के मंदिरों जैसा बनाया गया है। पहाड़ों में बनाए गए लकड़ी के पुल और सीढ़ियां इमारतों को आपस में जोड़ती हैं और हर एक इमारत में घाटी के सुंदर दृश्य को देखने के लिए बालकनी बनाई गई है। नंबर 4, कैलाश टेम्पल। महाराष्ट्र में मौजूद कैलाश मंदिर आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा रहस्य है। कई प्राचीन हिंदू मंदिरों की तरह इस मंदिर में कई आश्चर्यजनक बातें हैं जो कि हमें हैरान करती हैं। किसी मंदिर या भवन को बनाते समय पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखते हुए बनाया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर बनाने में एकदम अनोखा तरीका अपनाया गया है। यह मंदिर एक पहाड़ को ऊपर से नीचे काटते हुए बनाया गया है। जैसा एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति तराशता है, वैसे ही एक पहाड़ को तराशते हुए यह मंदिर बनाया गया है। पत्थर काट काट कर मंदिर के खंभे और द्वार बनाना और इसके साथ साथ बारिश के पानी को इकट्ठा करने का सिस्टम, पानी बाहर करने के लिए नालियां, मंदिर टावर और पुल, बारीकी से बनी सीढ़ियां, गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते आदि सब कुछ पत्थर को काट कर बनाना सामान्य बात नहीं है। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि मंदिर बनाने के दौरान करीब 4 लाख टन पत्थर काट कर हटाया गया होगा, लेकिन उस काल में जब बड़ी क्रेन जैसी मशीनें और कुशल औजार नहीं होते थे तो इतना सारा पत्थर कैसे काटा गया होगा और मंदिर स्थल से कैसे हटाया गया होगा, यह रहस्य दिमाग को घुमा देता है। नंबर 3, व्हाइट टेंपल, थाईलैंड। थाईलैंड अपने व्हाइट टेंपल के लिए मशहूर है, क्योंकि यह टेंपल बहुत अनोखा और अविश्वसनीय है। ये टेंपल प्राचीन नहीं है। इसका निर्माण 1997 में शुरू हुआ था और कुछ ही सालों में इसे पूरा बना लिया गया था। इस टेंपल में जाने का सबसे अच्छा समय सूर्य उदय या सूर्यास्त है। जब सुबह का सूरज चमकता है तो दृश्य बहुत मनमोहक होता है। जैसे ही आप मंदिर के मैदान से गुजरते हैं, आप जीवन के अंतहीन चक्कर से गुजरते हैं, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। यह मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली सड़क है। व्हाइट टेंपल में 3 स्तरीय छत है, मतलब कि इस टेंपल की 3 छतें हैं, पर टूरिस्ट इसे पहली नज़र में नहीं देख पाते। ज़्यादातर टेंपल्स को गोल्ड कलर में सजाया जाता है, पर इस टेंपल को व्हाइट कलर दिया गया है, क्योंकि व्हाइट कलर बुद्ध धर्म की पवित्रता का प्रतीक है। नंबर 2, द अंगकोर वाट, जिसे इंद्र का मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि स्वयं देवराज इंद्र ने महल के तौर पर अपने बेटे के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था, पर यह सब तो इस महल रूपी मंदिर से जुड़ी लोक कहानियां हैं। असल में इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर वर्तमान के कंबोडिया देश में है, जिसे पहले कंबो देश कहा जाता था। ये मंदिर मौलिक रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा पवित्र स्थल है,
जिसे बाद में बौद्ध रूप दे दिया गया। इतिहास पर नज़र डाली जाए तो करीब 27 शासकों ने कम्बोडेश पर राज किया, जिनमें से कुछ शासक हिंदू और कुछ बौद्ध थे। शायद यही वजह है कि कम्बोडिया में हिंदू और बौद्ध दोनों से ही जुड़ी मूर्तियां मिलती हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि ये विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। इसकी दीवारें रामायण और महाभारत जैसे विस्तृत और पवित्र धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां कहती हैं। आज के समय में अंगकोर वाट दक्षिण एशिया के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक है। नंबर एक, श्वेडेगोन पैगोडा, म्यांमार। म्यांमार एक ऐसा देश है जहां की 90% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। श्वेडेगोन पैगोडा को म्यांमार का गौरव कहा जाता है और वह पूरी तरह से इस किताब का हकदार भी है। ये शहर के बीचों बीच बना एक बौद्ध टेंपल है। इसे पहाड़ी पर बनाया गया है ताकि इसे दूर से देखा जा सके। मान्यता है कि यह 2600 साल पहले बनाया गया था और यह दुनिया का सबसे पुराना बौद्ध टेंपल है। पैगोडा टेंपल दुनिया भर से सैलानियों को आकर्षित करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खूबसूरती के मामले में इस टेंपल को पूरी दुनिया में तीसरा स्थान दिया है। अगर आप भी कभी म्यांमार जाएं तो इस टेंपल में विजिट जरूर करें। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें। अब मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।